ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के काम करने के तौर तरीकों से परेशान होकर वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे से पहले बोरिस जॉनसन के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मंगलवार को नए वित्त मंत्री और हेल्थ सेक्रेटरी के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। नादिम जहवी को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बना दिया गया है। नादिम ने ऋषि सुनक की जगह ली है। बोरिस जॉनसन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद स्टीव बार्कले को वहां स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो कौन है बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का पदभार संभालने वाले नादिम जहवी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ऋषि सुनक की जगह लेने वाले नादिम जहवी को कंजर्वेटिव पार्टी का उभरता सितारा माना जा रहा है। नादिम पहली बार साल 2010 में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद चुने गए थे। नादिम जहवी का जन्म इराकी कुर्दिस्तान में हुआ था। साल 1978 में उनका परिवार इराक से भागकर इंग्लैंड आया था। दरअसल इराक में सद्दाम हुसैन सत्ता पर काबिज हो गए थे, फिर उसके बाद नादिम के परिवार को इराक छोड़ना पड़ गया। उस वक्त नादिम की उम्र सिर्फ 11 साल थी। नादिम जहवी को इंग्लैंड आने के बाद काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें इंग्लिश भाषा की वजह से भी दिक्कतें आईं। इसको लेकर नादिम के टीचर ने उनके माता पिता को चेतावनी भी दी थी। टीचर ने कहा था कि शुरुआत में इंग्लिश बोलने में दिक्कत की वजह से सीखने में संघर्ष करना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स में आने से पहले 55 साल के नादिम एक सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। साल 2000 में नादिम ने पोलिंग कंपनी यूगोव की सह स्थापना की थी। इसके बाद साल 2010 तक नादिम इस कंपनी के सीईओ रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और कंपनी को ब्रिटेन की टॉप मार्केट रिसर्च कंपनियों में से एक बना दिया। नादिम को सफल बिजनेसमैन होने का फायदा राजनीति में भी मिला। साल 2010 में जहवी ने चुनाव में जीत हासिल की और फिर वो सांसद बन गए। बिजनेस में उपलब्धियों की वजह से ही वो जल्द ही उस वक्त के पीएम डेविड कैमरून की नजर में आ गए और उनको डाउनिंग स्ट्रीट में पॉलिसी यूनिट में जगह दे दी गई। एजुकेशन और बिजनेस डिपार्टमेंट में जूनियर मंत्री के तौर पर काम करने के बाद साल 2020 में कोरोना वैक्सीन रोल आउट का प्रभारी मंत्री भी उन्हें बनाया गया था। इसके बाद साल 2021 में बोरिस जॉनसन ने शिक्षा सचिव के तौर पर कैबिनेट में उन्हें नियुक्त किया। 1990 के दशक में नादिम जहवी टोरी के पूर्व सांसद और उपन्यासकार जेफरी आर्चर के सलाहकार भी रहे हैं। साल 2001 में झूठी गवाही के मामले में जेफरी को जेल भेजा गया था। तो ये थी ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नादिम जहवी से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।